केंद्रीय मंत्री सुरेश अघड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस तरीके से कर्नाटक का घटनाक्रम हो रहा है, राज्यपाल ने चिट्ठी भी लिखी है, 1:30 बजे तक बहुमत साबित करने को कहा है, आपको लगता है यहाँ पर जो संवैधानिक बाध्यता का प्रश्न उठाया जा रहा है वो वाजिब है, और कांग्रेस कह रही है कि ऐसे नहीं निर्देश दिया जा सकता? देखो, अभी कानून का वही सुप्रीम कोर्ट तक चल गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम कुछ नहीं बोल सकते अभी, जो अभी 1:30 बजे आएगा। लेकिन व्हिप की बात हो रही है कि व्हिप संवैधानिक है या नहीं, इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए पहले। अभी सभी कोर्ट के अंदर में, इफ आई स्पीक एनीथिंग इट बिकम सब जुडिस, 1:30 बजे के बाद बात। बीजेपी को लगता है ये जो मामला है इस पर तुरंत फैसला होना चाहिए, एक समय सीमा तय होनी चाहिए विश्वास मत हासिल करने को लेकर? हम उसमें कुछ भी बीजेपी वाले पढ़ने वाले नहीं है, बीजेपी वाले के साथ नंबर भी है, मगर जो लोग भारतीय जनता पार्टी अधिकार में नहीं है बोलकर दोनों रिजेक्टेड पार्टी एक हो गए, और लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स ओन कोर्स। इंतजार करेंगे आप, इंतजार करेंगे आप, कोर्ट का फैसला इंतजार करेंगे, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सर खासतौर पर, और इंतजार करेगी यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि ये मामला काफी संवेदनशील है, इस नजरिए से इस पर निगाहें लगी हैं। और ये कहते हुए सुरेश अघड़ी जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्नाटक घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और जेडीएस जिम्मेदार है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।